हेलो फ्रेंड्स, सुकून दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं विंटर सीजन का एक बहुत ही शानदार फूल सेवंती यानी गुलदाउदी के बारे में तमाम जानकारी दूंगी। गुलदाउदी के कटिंग से नया प्लांट कैसे तैयार करें, इसके ऊपर मैंने करीब एक महीने पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने गुलदाउदी के कटिंग को इस रेक्टेंगल पॉट में लगा के दिखाया था। आज मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ और यह वही पॉट है जिसमें मैंने गुलदाउदी की कटिंग को बालू में लगाकर दिखाया था। मैं एक एक के प्लांट निकालकर आप सभी को दिखा रही हूँ। इसमें कितनी अच्छी रूट ग्रो कर लिया है, यानी जड़ें निकल आई है। हर एक कटिंग एक नया प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब इस तैयार गुलदाउदी के प्लांट को कैसे लगाना है, चलिए देखते हैं। अब इसे सिर्फ बालू में नहीं लगाना है, जैसा कि मैंने पहले इसकी कटिंग सिर्फ बालू में लगाकर आपको दिखाया था। और इस छोटे से हर एक प्लांट को बड़ा होना है और इसमें फूल आएंगे, इसलिए हमें अब इसे रिच न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल बनाना होगा और तभी इस प्लांट को उसमें हम लोग लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ गार्डन सॉइल लिया है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और बोन मिल और थोड़ा बालू यानी रेता मिलाया है। मात्रा की बात करें तो गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग यानी सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रा में लिया है और मिट्टी को पोर्स बनाने के लिए थोड़ा बालू मिलाया है। कीड़े से बचाव के लिए थोड़ा नीम की खली मिलाया है और पोषक तत्वों के लिए बोन मिल आप इस पे मिला सकते हैं। मैंने अभी बोन मिल मिलाते हुए आपको नहीं दिखाया है क्योंकि इस वक्त मेरे पास बोन मिल नहीं है। आप मात्रा की बात करें तो एक गमले में एक मुट्ठी बोन मिल आप डाल सकते हैं। गुलदाउदी को आप 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। गमले में ड्रेनेज होल जरूर रखें। पहले गमले में आधे से ज़्यादा मिट्टी भर लें, फिर इस कटिंग को लगाएं। हाथ से अच्छे से दबा दें, पानी दें और 4-5 दिन के लिए सेमी सेड एरिया में रखना है। फिर गमले को ब्राइट सनलाइट में उठा के रख दीजिए, क्योंकि गुलदाउदी के प्लांट को पूरे दिन का धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है, तभी यह प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और फूल भी देगा। यह मेरा पिछले साल का प्लांट है। गमले में कुछ छोटे छोटे पौधे जो कि प्लांट के निकलते हैं, मैंने उन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ प्लांट्स उससे लेके दूसरे गमले में लगा लेती हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें सफ़ेद मिलीबग्स लग गई है, जो कि एक बीमारी है। गुलदाउदी में यह बीमारी बहुत ही कॉमन होता है। मैं अब इस प्लांट को दूसरे गमले में नहीं लगाऊंगी। मिलीबग्स को कैसे हटाया जाए, इसे मैं आगे वीडियो में जिक्र करूंगी। आप प्लांट को अच्छे से ग्रो करें, भरपूर फूल इस पे पाएँ, इसके लिए आपको पौधे का ख्याल शुरू से ही रखना होगा। जैसे गमले में अनावश्यक खरपतवार हटाते रहें, मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे ज़रूर करें, ताकि जड़ों में एयर सर्कुलेशन बना रहता है। और स्टेम के निचले हिस्से के सूखे पत्तों को हटाते रहें, सड़ी गली पत्तियाँ हट जाएंगी तो इससे पौधा हेल्दी बनी रहती है। एक ही प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूल कैसे पाएँ, इसके लिए पौधे के टिप को यूं पिंचिंग के द्वारा हटा दें। यह क्रिया हर एक महीने पे आप कर सकते हैं। पिंचिंग करने का फ़ायदा है कि जहाँ से भी आप टिप को पिंचिंग करते हैं, वहाँ पर 2 नए नए सूट निकल आते हैं और ब्रांचिंग निकल आती हैं, जिससे पौधे घने बनते हैं। और इस तरह से एक प्लांट के ऊपर बहुत सारा फूल आपको दिखेगा। अक्टूबर मंथ में इनमें कलियां आ जाए तब पिंचिंग करना बंद कर दें। और सफ़ेद मिलीबग्स को हटाने के लिए पानी में नीम तेल की 5-6 बूंदें मिलाकर स्प्रे करें। इसी पानी में आप थोड़ा सा लिक्विड सोप भी मिला सकते हैं। हर 15-15 दिनों पर यह छिड़काव ज़रूर करें। जब फूल खिलना शुरू हो जाए तब छिड़काव बंद कर दें। उम्मीद है वीडियो की जानकारी से आप सभी को बहुत लाभ मिला होगा और इससे लाभ पाके आप भी सेवंती के फूल को आसानी से अपने गार्डन में उगा सकेंगे। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और आपका एक लाइक मिलने से ही हौसला बुलंद होती है, तभी जाके दूसरा वीडियो बन पाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहले से चैनल पे है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और प्लीज़ कॉमेंट भी करके बताएं आपको वीडियो ये कैसी लगती है।